गाइस, ये हमारा HP का पेट्रोल पंप और इधर है हमारी आजकल कर्म भूमि बोल सकते हैं, ऑफिस हमारा गोयल मारुति सुजुकी गोयल मोटर नाड़ागढ़। चलो आज हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर कौन सी गाड़ी देखेंगे। आज हम देखते हैं एस्प्रेसो। ये हमारी ऑल न्यू एस्प्रेसो कार। एक बार पीछे से इसका लुक दिखा देते हैं। पूरी मिनी SUV कार लगती है। अरे इसका VXI वेरिएंट जो यहाँ पर इस टाइम खड़ा हुआ है, बड़ी क्यूट सी लुक है इस कार की। पूरा मिनी SUV लुक देख सकते हो आप इस गाड़ी का। ब्लैक कलर के इसमें रिम मिल जाते हैं। 14 इंच का टायर आता है गाड़ी में। बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। इंटीरियर कैसा है इसका? अंदर से ऑल ब्लैक कलर का दिख रहा है जो। तो ये यहाँ पर आ गया आपका 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील, पावर स्टेयरिंग व्हील है। ये इसका गियर नॉब और ये जो इसमें म्यूजिक सिस्टम लगा है, स्मार्ट प्ले डॉक बोलते हैं इसको। और इधर इसका मीटर सेंटर में आ गया गाड़ी का। इसमें दो दो एयरबैग भी मिल रहे हैं, एक ड्राइवर साइड एक और ड्राइवर साइड। और क्या क्या इसमें देखिए, इसका सनवाइजर उधर भी दिख रखा है, एयरबैग, इसका कैबिन लैंप। अभी डोर ओपन है तो ये जल रहा था। इसके AC वेंट्स बड़े प्यारे लगते हैं ऐसे। बहुत ही पावरफुल AC मिलता है इस गाड़ी में आपको। ये भी यहाँ पर AC के वेंट्स। और यहाँ पर एक बार डोर हैंडल देख लीजिए इनर साइड का। यहाँ पर डोर लॉक करने के लिए ये वाला बटन दे रखा है। यहाँ से किया, चारों डोर लॉक हो गए, चारों अनलॉक हो गए। सेंटर लॉक आता है इसमें। चाबी भी आपको इसमें रिमोट वाली मिल जाएगी। ये यहाँ पर लाइट एडजस्ट करने कंट्रोल, इधर लाइट्स के कंट्रोल। ये यहाँ पर अपने वाइपर वगैरह के कंट्रोल्स आ गए, बढ़िया। और इधर मारुति सुजुकी का लोगो। ये इसके आगे विंडो के कंट्रोल, फ्रंट की विंडो के। ये ड्राइव को ड्राइवर साइड, ये ड्राइवर साइड, ये हैजार्ड लैंप के लिए। यहाँ पर AC के कंट्रोल्स, एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल रहा है चार्जिंग करने के लिए। चलो चलते हैं अब इसके पीछे भी लेग रूम और इसका हेड रूम भी दिखाते हैं आपको पीछे वाली सीटों का। पीछे वाली सीटों पर जाने से पहले मैं दिखाऊंगा, देखो डोर में स्पीकर आ जाते हैं, दो स्पीकर मिलते हैं इसमें, एक उस साइड भी है। फिर यहाँ पर एक बॉटल होल्डर मिल जाएगा, दोनों साइड मिलेगा ये भी आपको। फिर यहाँ पर ज़रूरी डॉक्यूमेंट रखने हो कुछ उसके लिए, ट्रिम पॉकेट्स इसमें बहुत है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब यहाँ पर भी देख सकते हैं ट्रिम करके मिला हुआ। इसका ग्लव बॉक्स देख लीजिए, ग्लव बॉक्स के ऊपर एक और जगह दे रखी है सामान रखने के लिए। इधर नीचे हो गया अपना कप होल्डर हो गए, यहाँ पर भी आप सामान रख सकते हैं। इधर देखिए छोटे छोटे पॉकेट्स बना रखे हैं, एक इधर पीछे मिलेगा आपको। चलो अब चलते हैं पीछे वाली सीटों पर। वाइड ओपन डोर है इस गाड़ी का। पीछे डोर में फिर से वही लॉक अनलॉक के लिए इधर मिल जाएगा। ये मैनुअली एडजस्टेबल है, ये आपको मैनुअली खोलने पड़ेंगे इसके पीछे और इसी से। बाकी एक बार देखिए आप लेग रूम, मतलब मैं 5.5 फीट का हूँ लेकिन फिर भी लेग रूम बहुत बढ़िया है, मैं जैसे मर्जी बैठ सकता हूँ। इधर आगे वाली सीट भी देखो पूरी पीछे कर रखी है, काफ़ी अच्छा खासा इसमें लेग रूम मिल जाता है हमारे को। ए इसके व्हील का वगैरह रख रखे गाड़ी के, नीचे टूल किट पड़ी हुई है, अभी गाड़ी नहीं है। और इसके सीट बेल्ट की खासियत बता दूँ, ये अपनी प्री टेंशनर सीट बेल्ट, मतलब एयरबैग के खुलने के टाइम में आपको एकदम से खींच के मतलब पीछे को पुश करती है। और यहाँ पर अच्छा खासा हेडरूम भी है, मैं हेडरूम दिखाता हूँ आपको। बढ़िया हेडरूम मिल रहा है इस गाड़ी में, मेरा कहीं पर भी सिर नहीं लग रहा, बढ़िया खुले ढुल्ले से बैठा हुआ हूँ मैं। चलो दिखाते इसका बूट। अगर इसके बूट की बात की जाए तो अच्छा खासा बूट स्पेस आपको इसमें देखने को मिलेगा, 340 लीटर का बूट स्पेस है। और इसके नीचे हमारे स्पेयर व्हील पड़े रहते हैं, यहाँ पर स्पेयर व्हील भी आपको मारुति की तरफ से ही आता है, किसके साथ एक्स्ट्रा में। बाकी एक बार इसका पीछे से लुक देखते हैं हम गाड़ी की। यहाँ पर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप लग रखा है, सी शेप की इसकी टेल लैंप से, सी शेप अच्छा इंडिकेट कर रहा है खुद ही अपने आप में कि हाँ सी शेप है, सी शेप। पीछे एस्प्रेसो का लोगो, यहाँ पर सुजुकी का लोगो आ जाता है। पर इसमें
यहाँ पर नीचे की साइड रिफ्लेक्टर भी दे रखे हैं बम्पर में, वाइट एंड ब्लैक कलर का बम्पर है इसके ऊपर, और वेरिएंट में जो टॉप मॉडल बोलते हैं उसमें बॉडी कलर भी बम्पर आता है। इसके हेडलैम्प देख लीजिए, ट्विन चैम्बर हेडलैम्प मिल रहे हैं आपको, इसकी लुक को इन्हेंस कर रहे हैं अच्छे से। और ये इसमें सेंटर में ऊपर आप देख सकते छत के रूफ एंटीना भी मिल जाता है, इंडिकेटर भी हेडलाइट्स में ही आके ट्विन चैम्बर लाइट्स की लुक देखिए एक बार। एक अच्छा खासा टायर साइज यहाँ पर मुझको मिल जाता है, 14 इंच के टायर इसके MRF के मिलते हैं कंपनी की तरफ से, तो बढ़िया ब्रांड। ओवरऑल यही था, अभी मैं आपको इसका हुड उठा के दिखाता हूँ, इसका इंजन का नहीं ज़्यादा कुछ इस तरह से मिलता आपको बोनट उठाने पे। इसका इंजन आ गया 1000 cc का इंजन, बहुत ही पावरफुल के सीरीज इंजन मिलता है इस गाड़ी में आपको देखने को। इसके सेंसर जागे, कंप्यूटराइज सिस्टम, यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स, ECM भी इधर ही साथ में फिट किया गया है। ECM मतलब कंप्यूटर का दिमाग, सारे सेंसर जो है इतना सा पार्ट यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है इसको। यहाँ पर बैटरी बहुत ही बढ़िया Amron की बैटरी मिल जाती है इसमें, ये अपने कूलेंट के लिए, ये वॉशर के लिए, ब्रेक ऑयल के लिए अपना, बहुत ही अच्छी लुक है इसके अंदर से, बड़ी साफ सी गाड़ी लगती है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्लियर है। आप खुद भी इसको मैनुअली देख कर मतलब चेक कर सकते हैं। और ये देखिए आप यहाँ पर एल्यूमिनियम की AC की पाइप्स कर दी गई है, बहुत ही अच्छा पावरफुल AC मिल जाता है इसमें आपको। चलो ये तो बात हुई हमारी ऑल ओवर एस्प्रेसो की, अब हम आपको बताएंगे कि इसमें आपको सेफ्टी के लिए क्या क्या दिया जा रहा है कंपनी से। पहले फ्रंट से बात करते हैं, पेडिस्ट्रियन प्रोटेक्शन मटेरियल से इसका जो आगे वाली बॉडी तैयार की जाती है, मतलब अगर गाड़ी किसी पर्सन को लग भी जाती है तो इस बॉडी मटेरियल के होने के साथ साथ, मतलब अगर बॉडी मटेरियल है गाड़ी में लगा हुआ तो उसको ज़्यादा मेजर इंजरीज नहीं होती। फिर मैंने बताया था आपको इसमें ड्यूल एयर बैग आ जाते हैं सेफ्टी के लिए, ड्राइवर साइड को पैसेंजर साइड। फिर इसमें आपकी सीट बेल्ट, प्री टेंशनर सीट बेल्ट विद फोर्स लिमिटेड आ जाती है, ABS प्लस EBD आपको इसमें गाड़ी में मिलेगा, और पीछे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी मिलेंगे। यही है आपके लिए इसमें सेफ्टी में। बात करते हैं गाड़ी की टेक्नोलॉजी की, आखिर क्या क्या टेक्नोलॉजी जो इसमें नहीं यूज की गई है। तो इसमें आपको K-सीरीज इंजन मिल जाएगा जो कि बिल्कुल ही एल्यूमिनियम का बना होता है एक, और बहुत ही लाइट वेट होता है और परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है। इंजन का वेट कम होगा लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, 1000 cc की गाड़ी है तो असली सी बात है परफॉर्मेंस तो होगी गाड़ी में। फिर आपको इसमें स्मार्ट प्ले डॉग म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है, आपके फ़ोन से ही कनेक्ट होके चलेगा, ये भी बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी एक तो इसमें यूज किया कर रखी है। फिर ट्विन चैम्बर हेडलैम्प्स हो गए, एक बढ़िया आइडिया इसकी लुक को इन्हांस करने के लिए, उस टेक्नोलॉजी में ही इनको हम रखते हैं। ऑल ओवर जो मेरे को एस्प्रेसो बड़ी अच्छी लगी कवर करने में, एक अच्छी गाड़ी है, क्यूट गाड़ी है, पूरा SUV का फील देती है, पूरा आपको ड्राइवर साइड में सीट पर बैठ के लगेगा, पूरा बोनट दिखेगा आपको। और ये रही हमारी ऑल ओवर एस्प्रेसो। चलो जो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अभी काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी उसके लिए सॉरी, आपसे कंटिन्यू डालने की ट्राई करेंगे। चलो इसी के साथ देखते रहिए RJ Vlogs, अब से गाड़ियों की ज़्यादा वीडियो डाला करेंगे। थैंक यू।